प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शुमार बद्दी के तहत नव क्षेत्र में जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी बहने के कारण लोगों को महामारी फैलने का डर सताने लगा है। साथ ही सफाई व्यवस्था का भी जनाजा निकल चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर किए जाने वाले दावे फेल साबित हो रहे हैं। नव बद्दी के वार्ड नंबर 9 में IPH विभाग की लापरवाही के कारण जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर सुबह शाम दौड़ता नजर आता है, जिससे लोगों को रास्तों पर से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि औद्योगिक नगर में विकास की असल कहानी बयां करते नजर आ रहे हैं। IPH विभाग के पास स्टाफ की कमी होने के चलते रोजाना इन सीवरेज लाइनों की सफाई ना होने के चलते महीनों महीनों तक सीवरेज का गंदा पानी शहर के नालों से होकर नदियों में जा रहा है, जिससे ग्राउंड वाटर भी दूषित हो रहा है। वहीं जब इस पूरे मामले पर XCN IPH बद्दी देवराज चौहान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो सीवरेज लाइन ब्लॉक है उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा JE और SDO को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और जल्द ही उस लाइन को खोल दिया जाएगा, और साथ ही कितने प्रतिशत कनेक्शन लगने बाकी हैं जिन्हें जल्द ही लगा दिया जाएगा, जिससे लोगों को सीवरेज की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरा नाम पुष्पा है, मैं बद्दी के वार्ड नंबर 9 से हूँ। सीवरेज को लेकर समस्या ये, देखिए एक तो IPH ने सीवरेज लाइन बिछाई हुई है, वो ब्लॉक हो जाती है। आप देखेंगे ना यहाँ सड़कों पे जो है पूरा पानी पानी, गंदा पानी सर, आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी गंदी स्मेल आती है यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से देखो आप पानी की वजह से कितना स्मेल, यहाँ पे सारी गंदगी सर, बहुत परेशान है हम लोग यहाँ पे। प्रशासन भी सर कुछ नहीं कर रही है, देखो आप कितनी समस्या आती है सर। सर हम प्रशासन से क्या मांग करेंगे, हम यही बोलेंगे कि इसको ठीक करो। हाँ ये ठीक रहेगा, यहाँ सफाई रहेगी तभी अच्छा बन सकता है ना सर। हर दूसरे दिन में यहाँ पे ऐसी ऐसी समस्या, सड़क पे पानी आ गया हुआ है सर, हम परेशान हो गए हुए सर, कितना कितना हम वो करें जी। ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है, आज ही मुझे पता लगा था, और अभी मैंने JE और SDO साहब को मौके पर भेजा है। उसके बाद मैं भी अभी थोड़ी देर में, घंटे के बाद मैं भी ओवरऑल जो एरिया है उसको विजिट करूँगा और जो भी जरूरी हुआ तुरंत उसको क्लियर करेंगे। सीवरेज का जो हमारी स्कीम है इसमें 2950 कनेक्शन हमारे हो चुके हैं, 1121 कनेक्शन जो है उनका काम जो है वो प्रोसेस में ही है, और उसके अलावा 1421 जो कनेक्शन है वो बैलेंस हमारे रहते हैं। हमारा तो टारगेट था कि आने वाले लगभग 2 से 2.5 महीनों में हम इन बाकी कनेक्शंस को भी कर देते, लेकिन कुछ जगह जो स्थानीय विवाद हैं उस वजह से हमारे कनेक्शंस हो नहीं पा रहे हैं, कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही है। एक दो जगह मैंने देखा कि जो वहाँ पे लेवल डिफरेंसेस भी हैं कुछ जगह, तो उसके लिए भी हम सोल्यूशन खोज रहे हैं। तो होपफुली हम 2 या 3 महीनों में 100% अचीवमेंट इसमें कर लेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।